एक जो चीज़ है ब्लड की अहम तरीन वो है उसके सेल्स और दूसरी चीज़ है उसकी प्लाज्मा, यानी एक जो है वो ब्लड का सॉलिड हिस्सा है और एक ब्लड का लिक्विड हिस्सा है। टोटल जो ब्लड है उसका 55% जो है वो प्लाज्मा है और 45% जो है ना वो सेल्स हैं। आपके जो बायोकेमिस्ट्री के जितने भी टेस्ट होते हैं ना, चाहे आप शुगर का टेस्ट करवाएं, चाहे आप यूरिक एसिड टेस्ट करवाएं, चाहे आप कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करवाएं, चाहे जो है आप अपना LFT करवाएं, जितने भी आपके ब्लड के टेस्ट होते हैं वो सारे के सारे सीरम से होते हैं। RBCs या जितने भी आपके सेल्स हैं ब्लड के, वो सारे के सारे कहाँ बनते हैं? हड्डियों के गूदे में। इसमें 4 प्रोटीन्स हैं और एक इसके अंदर आयरन है, और ये मिलकर जो है वो बना रहे हैं एक हीमोग्लोबिन। कॉपर भी होना चाहिए, क्योंकि कॉपर जो है ना वो आयरन को हज़म करवाता है हमारी आंतों से, यानी हम जो आयरन को जो हज़म कर पाते हैं तो उसमें कॉपर की मदद जो है ना वो शामिल होती है, वो चाहिए होती है। एरिथ्रोपोइसिस का मतलब है ब्लड की या RBCs की, रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन, उनकी पैदावार। जो गुर्दे के मरीज़ होते हैं ना, जो डायलिसिस पे आ जाते हैं, उनके गुर्दे सही काम नहीं करते, उनके अंदर ये एरिथ्रोपोइटिन भी कम हो जाता है और उनको फिर एरिथ्रोपोइटिन के इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं। गुर्दों ने सेंस किया कि खून के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई है, इसका मतलब है कि खून की कमी हो गई है, तो यानी हाइपोक्सिया की कंडीशन पैदा हो गई। इसके नतीजे में गुर्दों ने एरिथ्रोपोइटिन बनाना शुरू कर दिया। एरिथ्रोपोइटिन ने जाकर आपके बोन मैरो को, आपके हड्डियों के गुदे को स्टिमुलेट किया कि भाई खून बनाओ, खून की कमी हो गई है, उन्होंने खून बनाना शुरू कर दिया गुदे ने। ये वो चीज़ है जिसमें से खून हमारा मुस्तकिल गुजरता है, इसी में सेंसर्स भी हैं और इसी के अंदर जो है ना खून की सफाई भी होती रहती है। वो क्रॉनिक रीनल फेलियर के पेशेंट्स का हिजामा किया तो उनका हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ गया, उनका जो 8-9 रहता था वो 11-12 तक पहुंच गया। 2.5 साल तक उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं पड़ी। खिलाड़ी जो होते हैं इस्तेमाल करते हैं एक दवा, वो ममनुआ दवा इस्तेमाल किया, डोप टेस्ट में पता चला कि वो दवा इस्तेमाल की हुई है, तो वो खिलाड़ी को बैन कर देते हैं, आउट कर देते हैं मैच से। ग्लूकोज से पहले पूरा आपका जो बोन मैरो है वो रेड होता है, क्योंकि उसके अंदर RBCs की प्रोडक्शन हो रही होती है, तो इसलिए वो रेड नज़र आता है। अगर कोई बीमारी चल रही हो जिसमें इन्फेक्शन चल रहा हो या इन्फ्लेमेशन चल रही हो, तो उसके नतीजे में ESR जो है ना वो ज़्यादा होता है, 20 से भी ज़्यादा होता है और काफ़ी ज़्यादा भी होता है। सिंपल आर्थराइटिस जिसमें हड्डियों में से जो है ना वो हड्डियों में भुरभुरापन होना, कैल्शियम की कमी होना, हड्डियों के अंदर नोके बनना। वाइट ब्लड सेल्स हमें मुख्तलिफ बीमारियों से जो है वो बचाते हैं। अजनबी प्रोटीन दाखिल होता है ना तो ये उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जो मैंने आपको शुरू में बताया था ना इम्यूनोग्लोबुलिन्स, वो इनके मुखबर होते हैं, वो जिस्म में सारे खून के अंदर इधर उधर घूम रहे होते हैं। ग्रैन्यूलोसाइट्स एंड ए ग्रैन्यूलोसाइट्स, ग्रैन्यूलोसाइट्स 3 हैं, न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। वायरल इन्फेक्शन हो खास तौर पे तो लिम्फ नोड्स एक्टिव हो जाते हैं और ये जो है ना तेज़ी के साथ लिम्फोसाइट बनाना शुरू कर देते हैं। अगर बहुत ज़्यादा कोई ख़तरनाक इन्फेक्शन है तो फिर ये जो है ना साइज़ में भी बड़े हो जाते हैं, यानी लिम्फ नोड्स जो है ना आपको बाकायदा फील होने लगते हैं, वो उभर जाते हैं। ये एंटीबॉडीज़ ऐसा नहीं होता कि हर वक्त जो है ना बहुत सारी तादाद में हमारे जिस्म में मौजूद रहें, क्योंकि इनका मौजूद रहना भी बाज़ोकात नुकसानदेह हो जाता है। तो सिर्फ इनकी एक एक मास्टर कॉपी जो है ना वो सारे मराकज़ के ऊपर रखी हुई होती है, उसको बोलते हैं मेमोरी सेल। ये इम्यूनोग्लोबुलिन जो है ना ये यानी कि सिग्नल देते हैं, समझ लें कि उसको आपके इम्यून सिस्टम को, ये बैक्टीरिया की और हमारे वाइट ब्लड सेल्स की, तो ये उन सब की बाकियात होती हैं, तो ये सब मिलके बन जाती है पस। न्यूट्रोफिल्स बहुत तेज़ी के साथ बढ़ जाते हैं तादाद के अंदर और फिर वो जाके हमलावर होते हैं जरासीम के ऊपर। प्लेटलेट्स क्या होते हैं? ये कोई बाकायदा सेल्स नहीं होते, प्लेटलेट्स जो है ना वो सेल्स के टुकड़े होते हैं और इनकी ज़िंदगी भी बहुत कम होती है, तकरीबन 10 दिन होती है, 10 दिन तक ये ज़िंदा रहती हैं, उसके बाद ख़त्म। यानी जब कहीं पर भी कट लगता है तो सबसे पहले जो खून के अंदर प्लेटलेट्स गर्दिश कर रही हैं वो उस जगह के ऊपर जाकर चिपक जाती हैं और फिर ऐसे सिग्नल देना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है ना वो एक्टिवेट हो जाए।